नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों आज जिस कंपनी की मैं बात करने जा रहा हूँ ना, ये एक ऐसा मैं कहूँगा हिडन जेम है जो कईयों की नजरों से बहुत ज्यादा दूर है। दोस्तों जब मैं इसकी आपके सामने आगे चर्चा करूंगा तब आप एक चीज देखेंगे, इसकी ROC ROE प्लस जिस तरह की डिविडेंड देता है, इसके पास परफॉर्मेंस, जिस तरह के बिजनेस में ये दोस्तों अगर बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं भी दिया तो भी ये कहते हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहेगा। कौन सा है वो शेयर, क्यों, और मैं इस शेयर में आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो राधा किशन दमानी जी है उनकी कंपनी का एक बहुत बड़ा स्टेक है दोस्तों इसमें और काफी समय से है। कौन सी है वो कंपनी, तो आज तक इतनी लोगों की नजरों से दूर वो क्यों रही है, आपने इस कंपनी की चर्चा बहुत कम ही सुनी होगी। हर एक चीज में चर्चा करूंगा दोस्तों, ठीक है। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसे ही कुछ हिडन जेम्स, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्लस जिस तरह का मार्केट सिनेरियो है हर एक चीज में क्रिस्टल क्लियर तरीके से चर्चा होगी दोस्तों, वो भी एकदम सरल और आम भाषा में। तो अगर आप ऐसी चीजें अपने नोटिफिकेशन बार पे नोटिफाई करवाना चाहते हैं तो वो जो लाल बटन है उसे क्लिक करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ना ये वीडियो अंत तक इसलिए देखें क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है और आपको इसमें निवेश करने की सोचनी चाहिए। और मैं पहले ही दोस्तों डिस्क्लेमर लगा दूं कि कोई बाइंग और सेलिंग की डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी पोजिशन मारने से पहले अपने दोस्तों वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, बात करते हैं उस चीज की कि आज के वीडियो किस शेयर पे बना है। तो दोस्तों देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,329 करोड़ रुपए, ठीक है। यानी जो सबसे पहला है दोस्तों कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। जो एक प्रॉब्लम है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। और स्मॉल कैप कंपनी के अपने दोस्तों थोड़े से रिस्क होते हैं। क्या रिस्क होते हैं, वो रिस्क होते हैं दोस्तों ये कि जितना ये भागते हैं उतनी तेजी से गिरते भी हैं, ठीक है। आगे देखिए, करंट मार्केट प्राइस 3,452, ठीक है। और 52 वीक हाई तक कितना दोस्तों 4,538 और 52 वीक लो ये रहा, यानी शेयर अभी भी भागा नहीं है दोस्तों, ठीक है। यानी कहते हैं ना कि शेयर एकदम भाग जाए उसके बाद निवेश नहीं होता अभी, और जो है ना दोस्तों ये काफी समय कंसोलिडेट भी कर रहा है। स्टॉक की पी आप देखिए 17.4 की पी में ट्रेड कर रहा है दोस्तों, जो कि मैं कहूंगा अंडर वैल्यू है, ठीक है, अंडर वैल्यू है ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बुक वैल्यू 609 है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड देखिए दोस्तों 3.25% की डिविडेंड यील्ड। आप फेस वैल्यू देखिए, 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 36% का, इस ROC रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी आप देखिए 48.3% की। आप देखिए ये क्या गजब के पैरामीटर्स हैं और क्या गजब के दोस्तों ये कंपनी पिछले कई समय से कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है, ठीक है। कौन सी आखिर कंपनी दोस्तों, अगर आपको ये कंपनी के वाइटल्स अच्छे लगे तो तुरंत एक लाइक करें दोस्तों, और जिससे हमें समझ में आएगा कि हाँ ये कंपनी अच्छी है। अब चलता हूं बताने की कंपनी है कौन सी। अब आप देखिए, फाउंडेड इन द ईयर 1930 VST इंडस्ट्रीज गॉट इट्स नेम थ्रू इट्स फाउंडर वजीर सुल्तान एंड नाउ दे आर द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडियन सिगरेट मार्केट विथ ओवर 90 years ऑफ ऑपरेशंस। द मार्केट शेयर ऑफ VST इंडस्ट्रीज स्टैंड्स एट 9% है दोस्तों इन द लीगल सिगरेट मार्केट एंड 5% इन ओवरऑल सिगरेट मार्केट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। दोस्तों 9% के पास लीगल सिगरेट मार्केट की मार्केट शेयर है और 5% की ओवरऑल सिगरेट मार्केट शेयर है। तो दोस्तों देखिए, दूसरा जो हम कहते हैं ना, दूसरा जो एक कौन है, यानी जो एक प्रॉब्लम है शेयर, ये सिन बिजनेस का शेयर है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए जो ESG नॉर्म वाले जो फंड्स हैं उनका इसमें पैसा आना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। ये इसका दूसरा ऑप्शन हो गया। और दोस्तों देखिए, ये इसका सिन है तो यही इसके साथ एक अच्छी चीज भी है कि अभी तक ये इस शेयर में आई नहीं है और दोस्तों पिछले काफी समय से बिजनेस पे है। और आपको मैं बता दूं, जो अभी जो गवर्नमेंट की जो GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी, इसमें कोई भी नया टैक्स, नो न्यू टैक्स इंप्लीमेंट नहीं किया गया है और ये इस शेयर के लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है।
आगे देखिए, ब्रांड पोर्टफोलियो की बात करूं तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे इसमें कि VSCN is a portfolio of reputed brands and it sells cigarette in India and abroad under different brands including Charminar, Charms, Special Moments, Total and Edition. दोस्तों आपने शायद इन दोनों में से किसी एक का नाम जरूर सुना होगा, माफ कीजिएगा, Charminar या Charms का, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे इसमें है, आप पाएंगे कि भाई प्राइस पर स्टिक यानी एक सिगरेट का प्राइस क्या है इसमें। VST operates mainly in the lower end categories and the company sells cigarette at different price levels ranging from 4 to 10 per stick where the cost of one Charminar is 4, ठीक है दोस्तों। Total and Moment is 4 to 6, Charms is 6 to 7 and addition costs 8 to 10 rupees। तो दोस्तों लो कॉस्ट सिगरेट है ये, और अभी जिस तरह के मैं बता दूं जो सिगरेट जितनी एक्सपेंसिव हो जा रही है तो लोग ज्यादातर रुझान उनका इन तरह के जो लो कॉस्ट सिगरेट के ऊपर है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, इसमें आप पाएंगे कि भाई जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, आप रुक जाइए दोस्तों, हाँ ये आप देखेंगे, आप पाएंगे देयर कंपनी मैन्युफैक्चर सिगरेट एंड अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको इन इट्स टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट हैदराबाद एंड टोपरम तेलंगाना। द कंपनी स्पेंड 0.53% ऑफ इट्स सेल ऑन R&D इन द R&D डिवीजन। द कंपनी फोकस ऑन डेवलपिंग क्वालिटी ब्लेंड्स विद इनोवेटिव फिल्टर वेरियंट फॉर न्यू ब्रांड्स which have been well accepted by consumers in the marketplace। दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं, आपको भले ही लग रहा होगा अगर कंपनी अच्छी है तो केवल 3 सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों है, दोस्तों बहुत ज्यादा टफ है कोई भी टोबैको रिलेटेड फैक्ट्री को नई फैक्ट्री लगाना, और इनकी ऑलरेडी 3 फैक्ट्री है प्लस एस्टैब्लिश प्लेयर है, प्लस जिस तरह से जो गवर्नमेंट की जो जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, तो सारी जो वर्स्ट चीजें थी वो धीरे धीरे इनकैश हो रही है दोस्तों इसमें, ठीक है। आगे पाएंगे आप, VST इंडस्ट्री डेट फ्री सिंस 2003। दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए जो कंपनी में देखा जाता है, मुझे जो पर्सनली वन ऑफ द बेस्ट थिंग लगती है वो है दोस्तों डेट फ्री होना, और ये टोबैको कंपनी दोस्तों यानी कैश और प्लस मार्जिन तगड़े रहते हैं इन कंपनीज में, और 2003 से यही कारण है कि एक डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। आगे है, द कंपनी इज ऑल्सो नॉट मेड इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर कंपनी एंड दे हैव यूज देयर इंटरनल एक्यूरल्स फॉर स्पेंडिंग देयर बिजनेस। दोस्तों पिछले काफी समय से अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है एनी अदर कंपनी एंड दे हैव यूज देयर इंटरनल एक्यूरल्स फॉर एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस। वो अपने इस जो बिजनेस है उसे एक्सपेंशन नहीं इन कैश की इन्वेस्टमेंट किए। भाई अब ग्रोथ की बात करेंगे तो द कंपनी कंटिन्यूज टू मॉडर्नाइज द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू एनहांस कैपेसिटी एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमाइज कॉस्ट बाय प्रोवाइडिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। VST डिराइव्स मोस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द सदर्न एंड ईस्टर्न स्टेट। नाउ द कंपनी हैज फॉरेड इनटू द सेंट्रल स्टेट व्हिच वुड इंक्रीज मार्केट शेयर। दोस्तों देखिए इसका जो बेस बिजनेस था ये सदर्न इंडिया में था, ठीक है, प्लस कहां था दोस्तों ईस्टर्न स्टेट्स में, इनका था ईस्टर्न स्टेट में, बट अब दोस्तों इनका कहां फोकस बन रहा है सेंट्रल स्टेट में, और सेंट्रल में ह्यूज पोटेंशियल दोस्तों आगे बढ़ने का, इनकी ग्रोथ होने का, यानी कि शेयर में ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी बहुत ज्यादा बाकी है। आगे है, ऑल्सो द कंपनी इंटेंड्स टू एंटर इन टू द हायर ट्रेंच ऑफ द कंज्यूमर सेगमेंट बाय लॉन्चिंग द 8mm सिगार अंडर द ब्रांड एडिशन। दोस्तों अब इनका मानना है कि ये 8mm सिगार में भी एंटर करेंगे, यानी मैं कहूंगा दोस्तों कंप्लीटली टोबैको ड्रिवन बिजनेस है इनका, तो डिस्क्लेमर के रूप में अगर आप एक सेन बिजनेस में यानी ऐसे बिजनेस मानते हैं कि हम टोबैको और ये सब बिजनेस इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप इस शेयर से निकल सकते हैं, बट फॉर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से VST इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री दोस्तों, और यही कारण है कि मिस्टर राधा किशन दमानी की कंपनी इसमें बहुत बड़े समय से इसमें इन्वेस्टेड है। कैसे आप देखेंगे कि कैश में कोई लिटिगेशन है तो दोस्तों है, फोटो 147.50 करोड़ की है जो कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और आप देखें दस एनी नेगेटिव रिजल्ट वुड इंपैक्ट द लिक्विडिटी ऑफ मार्केट, यानी जो भी केस डले हुए हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इन चीज की लिक्विडिटी में, या कोई ऐसा बड़ा केस नहीं है जिससे कोई बहुत बड़ा भूचाल आ जाए। टैक्स इंप्लीकेशन, सिगरेट्स आर क्लासिफाइड एंड सेन गुड्स अंडर द GST रिजीम एंड करेंटली टैक्स एट 28% एंड एडिशनल टैक्सेस अप टू 21%। The high taxation of cigarette has resulted in expanding illegal cigarette market. Currently, the illegal cigarette market
इलीगल मार्केट हैज 28% शेयर इन टोबैको इंडस्ट्री। दोस्तों आप में से कई लोग सोचते होंगे भाई अगर हम लगातार सिगरेट बढ़ाते कि टैक्सेस बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम, थोड़ी बढ़ाते जाओ। दोस्तों इससे इलीगल सिगरेट का बिजनेस बहुत बढ़ता है और आप देखिए यही कारण है कि पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कितने जबरदस्त में टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। यही कारण है कि जो इलीगल मार्केट सिगरेट दोस्तों वो 28% हो गया है पूरी टोबैको इंडस्ट्री का और इससे इंडस्ट्री से ज्यादा घाटा दोस्तों गवर्नमेंट को होता है। ये गवर्नमेंट को बात अब समझ में आई है और एक सर्टेन लेवल के बाद अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे तो आपको टैक्स से फायदा नहीं और नुकसान होगा। और यही कारण मैं कह रहा हूं कि जीएसटी इंडस्ट्री करंट मार्केट प्राइस में इन्वेस्ट करना फॉर अ लॉन्गर टर्म एक बहुत ही अच्छा डिसीजन हो सकता है। अब आपको मैं दिखाता हूं इस शेयर के कुछ अलग चीजों को, आप देखेंगे तो भाई इसके प्रोस देख लीजिए, पॉज करके आप देख लीजिएगा, आप देखिए कितने सारे प्रोस हैं इसके। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाता हूं सबसे बड़ी चीज किस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो आप पाएंगे सेल्स देखिए आप, ठीक है लगातार बढ़ रहे थे, ये देखिए फिर ये देखिए बढ़ रहे हैं। उसके बाद ये डेंट आता है जून 2020, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर डेंट। दोस्तों क्या आपको पता है क्यों डेंट आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सब अब बाहर नहीं थे दोस्तों, ऑफिसेस में थे और जब ऑफिसेस में ना होकर के सॉरी माफ कीजिएगा सब अपने घर से काम कर रहे थे और घर में सिगरेट की सेल्स बहुत कम होती क्योंकि आपको पता होगा जो बच्चे घर में रहते हैं तो लोग सिगरेट पीना कम करते हैं या नहीं ही पीते हैं। बट अब जैसे अब एनवायरमेंट ओपन हो रहा है लोग वापस से अपने दोस्तों बिजनेस में जाएंगे ऑफिस में जाएंगे तब सिगरेट कंजम्पशन बढ़ना एक बड़ी चीज हो सकती है। प्लस जिस तरह की दोस्तों महंगाई है, जिस तरह से इतने हैवी टैक्सेस है तो जो जो कम रेंज की दोस्तों सिगरेट है ना उनके इस्तेमाल अब ज्यादा हो रहे होंगे। ठीक है, आप देखिए जो सिम सबसे बड़ा वाला आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए इसमें 33% गाइस, मतलब आप देखिए एक समय में जो 40% मार्जिन था वो कैसे घट के अब 33 हो गया है। यही इनके डेंट का कारण है दोस्तों, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये डेंट अब पड़ चुका, चीजें जैसे जैसे सुधरेंगी वो चीजें ठीक होंगी। एक बार देखिए सितंबर 2019 में भी 32% थी ऑपरेटिंग मार्जिन, फिर 30% भी थी एक समय में, बट उसके बाद अब देखिए अभी फिर बढ़ रही है। अब हमको देखना यह है कि Q2 के रिजल्ट आते कैसे हैं। ठीक है, आप देखिए नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि केवल 275 के करोड़ के इनके दोस्तों सेल में इनके आप देखिए कि नेट प्रॉफिट कितना है 70%, यानी व्हाट अ ह्यूज मार्जिन गाइस। और आप देखिए इनके एक्सपेंसेस 183 करोड़ रुपए से, और एक्सपेंसेस में क्या होते हैं अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं तो इसमें रहता है दोस्तों ये देखिए मटेरियल कॉस्ट प्लस एम्प्लॉय कॉस्ट, और इसमें जो सबसे बड़ा दोस्तों आता है वो मटेरियल कॉस्ट आता है, बाकी और कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं दिखाता हूं कि इस शेयर के शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप पाएंगे कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग इसमें आपको कम लग रही होगी कि भाई 32% है तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना। मैं आपको दिखाता हूं डीजेएस की होल्डिंग, ठीक है सॉरी पब्लिक की होल्डिंग माफ कीजिएगा, तो आप पाएंगे पब्लिक होल्डिंग में आप देखिए कि 48% पब्लिक होल्डिंग रखी हुई है इसको, और सबसे बड़ी होल्डिंग किसकी है ये देखिए 25.95%, और ये कौन है ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। आप पता लगाइएगा कि भाई ये कंपनी है किसकी, अब जब ओनरशिप आप देखेंगे ना तो आप पाएंगे ये राधा किशन धवानी जी की है, और सितंबर 2018 जब तक का इसमें डेटा है तब से देखिए 1% की भी स्टेक सेल नहीं हुई दोस्तों, कंसिस्टेंटली लगभग 26% की आपको इसमें दिख रही होगी। यानी दोस्तों हर एक मैटर हर एक पैरामीटर में ये शेयर जबरदस्त है, आपको इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो आपको एक बार ये जरूर इस शेयर में थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। अगर आप अच्छे लगे तो इसमें इन्वेस्ट करना जरूर सोचें दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी यहां तक देखने से वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आया चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये इस वीडियो का अंत है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।